श्री रामलल्लांक पई मु आज बनेची प्रसाद जोटा कि अयोध्या चाउल आसीथिले सेई चाउल रे मु आज बनेची प्रभु को पई मन पसंद प्रसाद। तो चालंतु आज बनेबा। नमस्कार, मु बिंदु बिंदु सेई चैनल को आपन मानको अनेक अनेक स्वागत। आज रेसीपी आपन मानको जदि पसंद आसीला तो प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स करबा को जमा भी भूलिबेनि। आज मु बनेची प्रभु श्री रामलल्लांकर मन पसंद रो भोग जोटा कि प्रभु श्री राम पाखे मुझे भोग लगे। तो चलतु मुठी नहीं गोटे कप सुजी जोटा कि मेजरमेंट मुझे गोटे छोट काच ग्लास नहीं गोटे कप सुजी आज गोटे आम अलग प्रोसेस रे बनवा किंतु परफेक्ट बनबो आउ बढ़िया टेस्टी भी बनबो। गोटे कप सुजी रे मुठी गोटे कप क्षीर। तो बर्तमान आम सुजी रे क्षीर को सेद आ भल से गोले नबा कहीं जो रेसिपी ना गोटे अलग प्रोसेस रे बनबो देखिबे बहुत ही टेस्टी आउ हेल्दी भी बनबो। तो एबे आमे खीर आउ सुजी को भल से मिक्स करिबा कहीं खीर रे जेतिकी समय आमर सुजीटा भिजिबो तो तार टेस्टा भी अलग आसीबो। एठी मु कलर पई किछि केसर नेछि आपण चाहिले स्किप भी करि परिबे नहले फूड कलर भी देई परिबे। एबे आमे भल से कभर करिनबा जे पर्यंत सुजी खीर सेट होतबो। एबे चालंतु आमे एठी गोटे चीनी सिरा बनेबा। चीनी सिरा बनेबार गोटे अलगा तरीका रे आज आमे बनेबा जोटा कि कैरामेलाइज सिरप बनेबा। मु एठी गोटे कप सुजी जगह रे नेइछि गोटे कप रो टिके कम चीनी आपण मीठा अनुसार कम बेसी करि परिबे किंबा चीनी जगह रे आपण मिश्री नेइ परिबे। तो एठी चीनी को आमे भल से टिके मेल्ट करिबा जोटा कि कैरामेलाइज बनेबा। एबे आमे चीनी रो बढ़िया से कलर भी आसी गलाणी देखंतु एभरी भाव रे आपण चीनी को मेल्ट करिवे। तो ए स्टेज रे आमे कोन करिवा ना मु एठी गोटे ग्लास पानी को अल्प अल्प करके सेथिरे ऐड करिवा काहेकि ना हाथ को छिटकी पारे जोटा कि गरम जोटा कि हाथ रे फोटका भी हो जाई पारे सेथिमै आमे मेजरमेंट रे मु एठी 2 ग्लास पानी देछि। तो गोटे ग्लास सुजी रे आमे गोटे ग्लास खीर देथिले प्लस एठी आमे 2 ग्लास पानी। तो एबे मु एठी गुजराती गुंड टिके दे दउची भल बासना पाए। तो देखंतु एबे हमर सुंदर कलर भी आसी जाइची। एबे आमे चीनी सिरपटा बढ़िया से हमर बनी गले। तो एबे आमे गोटे पैन नबा जेहेतु मु आज प्रभु श्री रामलल्लांकर प्रसाद बनेबी मु एठी पीतल बासन नेइची। तो मु एठी अल्प घी नेइची सेथिरे ड्राई फ्रूट्स किछि काजू आउ किसमिस आउ काटी थी नड़िया कि आम हालका टिके भाजी नवा आपण पाखे जहाँ भी थी ड्राई फ्रूट्स आपत से भी नहीं पारे। एवं आम ड्राई फ्रूट्स भल से भाजी सर ताको गोटे प्लेट को काढ़ा तापर आम सेम जगह रे आम नवा 2 चमच ये घी कहीं प्रसाद बनला बेले सब बड़े घी रे आम बनवा। तो घी दे सारापर ये देखो सुजी भी बढ़िया से फुली जाइए क्षीर सहित पूरा सेट हो जाइए। एबे आमे सुजी को टिके भल से मिक्स करिबा आउ एबे आमे सुजी को से घी रे ऐड करिबा। सुजी रो हलुआ बहुत प्रकार बना जाए तो मु एई जो प्रोसेस रे बनेची बहुत ही इजी और सहज आ बहुत ही कलरफुल भी आसीबो। एबे आमे घी सहित तो सुजी को आमे हल्का हल्का भाजीबा गैस रो फ्लेम को टिके स्लो रे रखिबा नहले आमर सुजी टी पोड़ी जाय पारे। आपण चाहिले एठी अधिक घी भी नहीं पारे किंतु मु एठी 2 चमच घी रे मु आजि बनेबी। एबे आमे सुजी को भल से मिक्स करिबा। एबे सुजी भी बढ़िया से झुरा झुरा भी हो गलाणी। ए स्टेज रे आमे जो कैरामेलाइज सुगर सिरप बनेथिले तो एबे आमे से सुगर सिरप को ऐड करिबा। मन रखिबे एक बेले ऐड करिबेनी अल्प अल्प करके सुगर सिरप ऐड करिबे। एमिति भी सुजी हलुआ बनेला बेले डायरेक्ट चीनी भी देकी बना जाए घी रे भी सुजी को भी भाजिक भी बना जाए किंतु आज ये प्रोसेस टी बना है जेहेतु क्षीर रे सुजीटा भिजिक रहिला तार टेस्ट टी अलग आसीबो आ बहुत ही बढ़िया भी बनबो। कलरफुल सुजी आमर हलवा भी बढ़िया से बनजिबो। एभली भाव में धीरे धीरे गोलेबे अल्प अल्प करके आमर सुगर सिरप को ऐड करिबा। एबे लंग्स देखा जाउची किंतु देखिबे लंग्स जमा भी रहिबोनी परफेक्ट बनबो। एबे आमे बाकी सुगर सिरप को सब दे देबा।
ଏବେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା। ସ୍ପେଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ, ଦେଖିବେ ଲଙ୍ଗସ୍ ଜବମି ରହିବନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ସ୍ମୁଥ୍ ହାଲୁଆ ବି ବନିଗଲାଣି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରସାଦଟି ବି ବନିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଆଜି ସୁଜି ହାଲୁଆ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା। ସୁଜିକୁ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ପ୍ଲେନ୍ ବନେଇଥାନ୍ତେ ତ ହାଲୁଆଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଯେଉଁ ଆମେ ବନେଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ ସୁଗାର ସିରପ୍ ଦିଆହେଲା, ଯେଉଁଟାକି କଲର୍ ଟିକିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ହାଲୁଆ ବନିଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ୁଛି। ଗରମ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା କରିକି ବି ବାଢ଼ିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତ ପୁରା କାଠୁଆ ବି ହେଇଯିବ ହାଲୁଆଟି। ସେଥିରେ ବାକି ବଞ୍ଚିଥିବା ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ତ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଏମିତି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦରେ ଆପଣ ଡେକୋରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ଡେକୋରେଟ୍ କଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବସେଇଛି। ଏବେ ଆମର ସୁଜିର ହାଲୁଆ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ଭୋଗ ବି ଲାଗିଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ସହିତ ସୁଜି ହାଲୁଆ ବି ବନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଥିବା ହଳଦିଆ ଚାଉଳରେ, ସେଇ ଚାଉଳରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି। ତ ସେଇ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରିପାରିନି। କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ରେସିପି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।